अम्बेडकर के थे, एक्टिविस्ट थे और एक सफल शिक्षक है। नालंदा बनाने के पीछे मकसद को हमारे अनुज सर भी अच्छे से जानते हैं, पर हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया है वो आपके सामने रखेंगे। बाल मुकुंद जो हमारे कहानी के मेन एक्टर है, उनके माता पिता उनके बेटे भविष्य की चिंता में ठीक और बोल जाऊंगा। थोड़ा सीरियस है, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, थोड़ा सीरियस है। उनके माता पिता उनके बेटे के भविष्य की चिंता में। सुनो ना, क्या होगा हमारे बेटे? थोड़ा सा कैसे पढ़ा पाएंगे हम अपने बेटे को? हम तो सिर्फ महीने के 5,000 ही रुपए कमा पाते हैं, क्या होगा हमारे बेटे का? आप तो खुद बोलती भी नहीं। साथ का भी मेहनत मजदूरी करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, यदि हम हमारे बेटे को जरूर पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो वही हमारा सपना पूरा करेगा और हमारी गरीबी भी दूर करेगा। अरे ओ काका, बधाई हो भाई, काम बहुत हुआ। मालूम है मालिक से बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, देखो अखबार में फोटो आई है उसकी, राष्ट्रपति द्वारा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। देखो देखो, आपका और हमारे गांव का नाम वही रोशन करेगा। हां हां, आगे से बहुत पढ़ाना। हाँ बच्चे, अब अगर खुद को भी गिरवी रखना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन हम हमारे बेटे को जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। हाँ बच्चे, खुश रहो। बाल मुकुंद सेल्फ स्टडी करके भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज एम्स दिल्ली में सिलेक्ट होते हैं और उत्साह के साथ कॉलेज जाते हैं। पहले ही दिन उनके एक स्टूडेंट से मुलाकात होती है। एक्सक्यूज मी, क्या आप एक स्टडी को बता सकते हैं अपना? आर यू फ्रेशर? या ओ, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम बाल मुकुंद भारती है। भारती? या रिजर्वेशन से हो? या कि वो एक हाथ दस बिना मेहनत के रिजर्वेशन के पदवी पर पहुंच, यानी इसके आगे खुद मेहनत करो और अपनी मंजिल सीधा सा बोर्ड पढ़कर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ढूंढ सकते, हद हो गई, जस्ट डिस्गस्टिंग। वो लड़का तेरी शक्ल बनाकर चला जाता है। ऐसे ही काफी भेदभाव पूर्ण और जातिगत कार्यों से पीड़ित होते हैं बाल मुकुंद। सिर्फ स्टूडेंट द्वारा ही नहीं बट प्रोफेसर द्वारा भी उनके साथ ऐसा ही भेदभाव होता है। बाल मुकुंद ऐसे ही एक क्लास में on the first day of class. Good morning students. Good morning ma'am. Hello, my name is Malini Suryavanshi and I'm going to be a working professor. Okay, first of all congratulations. Thank you ma'am, girls. You made it over here at one of the prestigious colleges of India, beating everybody in the competition. You're very talented. You have to write this. Okay, so as this is your first day, let us start with introduction. Tell me your name and the state where you belong. I'm Rahul Thakur from Rajasthan. I am Mandan from Maharashtra. I am Mayuri from Gujarat. I am Disha Malik Airport from Mumbai. I am Asha Sharma from Delhi. My name is Basukun Gorti from Madhya Pradesh. Gorti? Yeah, ma'am. Do you come with the reservation? Yeah, ma'am.
टीचर क्लास से जाने के बाद स्टूडेंट का पता हो। तुम दलित हो? ये पता नहीं कहां से आए थे रिजर्वेशन वाले। अरे इन लोगों के वजह से तो देश पीछे है। ऐसे ही एक और क्लास में प्रोफेसर सवाल पूछते हैं, बालमुकुंद खड़ा होकर जवाब देता है, लेकिन उसे बीच में रोक दिया जाता है। जाति की वजह से बालमुकुंद को प्रैक्टिकल में बार बार फेल करते हैं, ऐसा ही आपके सामने एक एग्जांपल। सभी प्रोफेसर को पता चल जाता है कि बालमुकुंद दलित है, साल दर साल उसे ऐसे ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही और एक क्लास में आपने मुझे दूसरी बार खेत कर दिया, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी क्या गलती है? चुप! तुम्हें प्रैक्टिकल करना आता नहीं कुछ नहीं और मुझे पूछ रहे कि फेल किया? सर जैसा अंदर तो मैंने वैसा ही दिखाया था। चुप! प्रोफेसर मैं हूँ या तुम, उससे तुम्हें ज्यादा पता है क्या? सर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ था, प्लीज आप एक बार मेरा पेपर चेक कर। इसके अलावा क्या मुझे काम नहीं है? मुझे प्रॉब्लम है ना, प्रिंसिपल के पास जा। वैसे भी तुम प्रोफेसर, वैसे भी तुम डॉक्टर बनने के लायक नहीं, क्योंकि तुम एक अछूत हो और अछूत कभी डॉक्टर नहीं बनता। द क्लास फोर एंड आउट। तेरी औकात नहीं है डॉक्टर बनने की, क्योंकि तू अछूत है। सामान उठाओ निकल ले, अभी पता चला ना तुझे। दलित है तो ऐसा ही रहेगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल एग्जाम फेल होने के बाद, प्रैक्टिकल एग्जाम फेल होने के बाद बालमुकुंद बहुत निराश होता है। वह सोचता है कि प्रिंसिपल उनकी मदद करेंगे, पर वह भी उनसे निराश, वहां भी उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। प्रिंसिपल कृष्णा आनंद के ऑफिस में बालमुकुंद कंप्लेंट को लेकर। प्रिंसिपल कृष्णा आनंद के ऑफिस में बाल मुकुंद कंप्लेंट लेकर। टेक्निशियन सर, मुझे बार बार चेक कर दिया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर ऐसे क्यों किया जा रहा है। सर मैं वो नहीं कर रहा सर, पर तीन साल होने के बाद सर एक ही सब्जेक्ट में मुझे बार बार चेक कर दिया जा रहा है। कॉलेज की छुट्टियां मिलने के बाद बालमुकुंद उनके कॉलेज में छुट्टियां मिलने के बाद बालमुकुंद अपने अपने घर पर माता पिता से उनके साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। बालमुकुंद के घर पर उनके माता पिता और बहन के साथ आ गया। कृष्णा बच्चे
कैसे बेटा? अर्जुन बेटा बालू आ गया, जरा पानी तो लेके आना। आ जल्दी आ। बालू पता है पानी पी। कैसे हो मेरे बच्चे, सब ठीक है ना वहाँ पे? ठीक हो? क्या हो गया तुझे, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? बता जल्दी क्या हुआ? क्यों क्या हुआ बता? बहुत दर्द हुआ है। तो मुझे दर्द बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जब ये खड़ा होता है बोलने के लिए तो मेरा जुबान बंद कर दिया जाता है। सारे प्रोफेसर मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे क्यों करते तेरे साथ? मेरे को बार बार प्रैक्टिकल में फेल कर दिया मुझे माफ करना, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है पापा।
दुनिया हमारे लिए नहीं है। देखा दोस्तों आपने, दिल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसी बच्चे की जान गई तो। अगर बालू को धरती हमारे बीच जिंदा होते तो शायद, मैं तो सोच नहीं पाता हूँ क्या होते, बट शायद उनके बोल ये हो सकते थे। हाँ तो साथियों, आज हमारे बहुजन समाज के साथ यह उत्पीड़न हो रहा है, क्यों हो रहा है और कितने बालकुंद की कुर्बानियां और कितने रोहित बेबुल्ला, इन सभी समस्याओं को हल को ढूंढने के लिए हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इसकी छानबीन करना शुरू किया, जिसमें से एक हमारे बीच उपस्थित है मिस्टर अनुप कुमार दत्त, जिनके लिए जोरदार तालियां। मेरे दोस्तों, इन समस्या का मूल कारण क्या है, नालंदा की ओरिजिन कैसे हुई, इसका हमसे अच्छा से अनुप से ही उन्हीं की जुबानी हम सुन सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सभी के लिए, नालंदा के सभी सदस्यों के लिए मैं कहना चाहता हूं, न तुम हिलो न हम हिले, न तुम हिलो न हम हिले, हिला दो हिमालय को, न हिल सका हिमालय, न हिल सका हिमालय तो हिला दो हिमालय समझने वालों को। जिस तरीके से हमारे समाज के महापुरुषों ने यह साबित करके दिखा दिया, हमारे बीच ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले हिमालय जैसे
मनुवादी वर्ण व्यवस्था को हिलाकर दिखा दिया। तो मेरे दोस्तों, नालंदा एकेडमी की सफलता हायर एजुकेशन में हिलाकर दिखा दे। मैं बस इतना ही कहूँगा। और नालंदा एकेडमी की अनुसर के जवानी हम इसका ओरिजिन सुनेंगे। बस इतना ही कहेंगे। और अपने ग्रुप के सभी सदस्यों को जिन्होंने पहली बार यहाँ पर परफॉर्मेंस की, उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक्स। जय हिंद। आज भी हमारे समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। एक ही चीज को दिखाने के लिए हमारे नालंदा के स्टूडेंट का एक छोटा सा प्रयास था, उनके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों, आप सभी के लिए इस कहानी के जो रियल किरदार है वो आपको क्रिकेट द्वारा दिखाया जाए। अब सब नाटक करने वाले अनूप सर जी का वेट कर रहे थे। वो कुछ बोले वो हमारे लिए सबसे जरूरी था, और नाटक सबसे आखिरी में करने का यही कारण है, नहीं तो हमने पहले ही कर दिया होगा। सर प्लीज। के एक बहुत ही छोटे से गांव में उनके माता पिता से मिला था,
डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। मैं ये सब कभी डॉक्यूमेंट्री दिखाता नहीं हूँ आपको, दूसरी डॉक्यूमेंट्री दिखाता हूँ। लेकिन उन बच्चों ने जापान में वो स्पीच सुनी और उसके बाद अपने आप के सब देख डाला सारी डॉक्यूमेंट्री। तो बहुत टफ सिचुएशन थी बाल मित्रों की और बाल मित्र के पेरेंट्स की। और जो ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो मैंने बनाई उस समय मैं था, मेरे कुछ और दोस्त साथ में थे, हमको लड़ने का कोई तरीका समझ में नहीं आया कि ये जो हमारे बच्चों के साथ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और खुलेआम होता है, लोग ओपनली करते हैं लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते। आप किसी के पास अगर जाओगे तो आपने की गलती बताई जाओगी। फिर हमारे बच्चों का अपने कुछ वीकनेसेस होते हैं, जैसे कि इंग्लिश कमजोर होना, गाँव से होना, फाइनेंशियल ट्रबल होना, तो ये सब से हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत लो होता है। और ऐसे समय में जो टीचर्स, अब टीचर्स के हाथ में होता है आपका पूरा करियर और साथ में आपका कॉन्फिडेंस। अब मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं किसी को, आप में से किसी एक को खड़ा करके कभी ये बोलूँ कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम इस लायक नहीं, आप यकीन मानिए आपका 90% कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाएगा। मेरे सिर्फ एक स्टेटमेंट, क्योंकि टीचर का जो पावर होता है स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा होता है। टीचर अगर आपको अच्छे से मोटिवेट करता है तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर टीचर आपको डीमोटिवेट करता है, अगर टीचर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो आपका परफॉर्मेंस अपने आप खराब हो जाता है। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आपकी अपनी लाइफ में आपने देखा है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैं कभी भी आप लोगों को नेगेटिव नहीं बोलता, आप लोगों को कभी ये नहीं बोलता कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, कभी नहीं बोलता। आप किसने भी पूछ लीजिए, आप आपके स्टूडेंट्स हैं पहले वाले बैच से पूछ लीजिए, मैं कभी नहीं बोलता कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता है एक टीचर का रोल क्या है। एक टीचर का रोल होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करना और टीचर का रोल होता है कि स्टूडेंट को गाइड करना, उसको एक रास्ते पर लेके आना, उसको हेल्प करना। टीचर का रोल ही यही है कि उसको पढ़ाना, उसको गाइड करना, उसको और अच्छा बनाना। लेकिन हमारे समाज का ये सच नहीं है। आप जब आपके खुद के बहुत सारे बच्चों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपको पता है, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आपने गांव में देखा होगा कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में थोड़ा कम होता है, महाराष्ट्र में लगभग नहीं के बराबर है, लेकिन बाकी सारे राज्यों से जब आप आते हैं, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप पंजाब से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, उड़ीसा से हो, मध्य प्रदेश से हो, हम सबका एक्सपीरियंस वही है। तो इससे लड़ाई कैसे की जाए, तब तक हम इसको सहते रहेंगे। हमारे फादर ने कहा, हमारे ग्रैंड फादर ने कहा, हमारे ग्रैंड मदर्स ने भी कहा, यही सब कहा है। तो अब आगे का जो जनरेशन है हमारा और आपका, उसको ये नहीं सहना, उसके लिए हमें रास्ता बनाना, उसके लिए हमें लड़ना है। तो जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। एम्स जैसे या IIT जैसे बड़े बड़े जो कॉलेज हैं उनमें ऐसा भी हो सकता है, तो कोई विश्वास नहीं करता था हम पर। इसीलिए हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी कि देखें ये आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्रेवलेंट नोशन है लोगों के दिमाग में, डाला गया है वो कि कास्ट नहीं है, कास्ट जो है वो गांव में है, कास्ट जो है वो यूपी में, यूपी के गांव में, बिहार के गांव में। जाति, हम तो जाति विहीन हो गए, हम तो कास्टलेस हो गए, हम कास्ट को बहुत पीछे छोड़ा है। तुम लोग कास्ट को लेके आते हो, तुम शेड्यूल कास्ट लोग या आदिवासी लोग, तुम लोग ये सब बातें करते हो, जातिवाद तो बहुत पहले खत्म हो गया। तो ये जो नोशन है एक्चुअली ये उनका अपना जो दोष है उसको छुपाने की कोशिश है। जैसे चोर ये बोलता है ना कि मैं चोरी नहीं करता, चोर कभी नहीं बोलता कि मैं चोरी करता हूँ, तो चोर हमेशा ये बोलता है कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ। तो वैसे ही यहाँ का जो एक जो पावरफुल तबका है वो हमेशा ये बोलता है कि कास्ट खत्म हो चुकी है, कास्ट बहुत पुरानी बात है, कास्ट तो सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से है, जबकि सच इसका ठीक उल्टा है, ठीक है। तो ये जो हकीकत जब मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में समझ में आया, तो मेरे साथ भी हुआ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। फिर मैं जब JNU में आया तब मैंने देखा, फिर जब JNU के बाहर काम करना चालू किया तो
स्टोरीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतनी स्टोरीज इतना इतना पूरे देश में मैं घूमा हूँ। मेरी जो टीम है हम चार लोग थे, मैं रमेश वरिंदर और मंजू, हम चार लोग थे दिल्ली में और हम लोगों ने दो ढाई साल पूरे देश में घूमा और सारी स्टोरीज कलेक्ट की, डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट्री बनाए, पर देखा कि लोगों तक ये बात पहुँचाना कि ऐसा हो रहा है। नहीं तो क्या होता था कि हर किसी का इंडिविजुअल स्टोरी था कि एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ, एक बच्चा बोले इसके साथ ऐसा हुआ, तो वो इंडिविजुअल स्टोरी रख के रह जाता। जैसे अभी अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर में आप न्यूज पढ़ते हैं कि एक बच्चे ने सुसाइड किया तो आपको लगेगा कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन जब हम एक साथ ये सारी डॉक्यूमेंट करते हैं, चीज़ों को लेके आते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं है, ये प्रॉब्लम एक व्यक्ति की नहीं है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। एक तो ये था कि हमको ये हाईलाइट करना है, दूसरा इन बच्चों के लिए न्याय मांगना है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, कोर्ट केस किया, सब कुछ किया, लेकिन न्याय नहीं मिला। फिर हमको समझ में आया कि हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा, हमें ग्राउंड पे जाके काम करना होगा, हमें अपने बच्चों को मजबूत करना होगा, हमें अपने बच्चों को इतना तैयार करके भेजना होगा कि वो कभी अकेला ना महसूस करे, हमें अपने बच्चों में एक सॉलिडारिटी की भावना लेके आनी होगी कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें। आपको पता है जितने भी बच्चे थे जिन्होंने सुसाइड किया, इनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, लोनलीनेस, अकेले थे। बाकी जो एस सी एस टी बच्चे थे वो एक साथ नहीं रहते, हम सब अलग अलग रहते हैं, हमारे आपस में कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही सीमित रखते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा एक ऐसा नेटवर्क बनना चाहिए जहाँ पर हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करें, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करें, ठीक है, और अपने बच्चों को हम एजुकेशनली भी तैयार करें ताकि कोई उन पर उंगली ना उठा पाए, कोई उनको ये ना कह पाए कि ये पढ़ने में कमजोर है या ये पढ़ते नहीं। देखिए आपके क्लास में ये बहुत ही प्रेजेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में क्या बताया था कि ये पढ़ते लिखते नहीं, ये कमजोर होते हैं, इनको तो आरक्षण से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे नालंदा में 230 बच्चे हैं और सभी एस सी एस टी ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कितना पढ़ते हैं आपको, आप क्या बोलेंगे कि मैम हम पढ़ते नहीं हैं। कल को अगर कोई आपका कहीं पर एडमिशन होता है और कोई आके आपसे ये बोले कि यार तुम्हारा तो ऐसे ही हो जाता है बिना पढ़े लिखे, तो आप क्या बोलेंगे, श्रद्धा कहाँ है, क्या बोलेंगे श्रद्धा, सबने हमको 12 घंटे पढ़ाया था, ठीक है, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो आपको बहुत खराब लगेगा, आपको बहुत खराब लगेगा कि कोई आकर आपसे ये बोल देता है कि तुम तो बिना मेहनत के आ रहे हो, लेकिन अब आप खुद ही देखें आप सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप मेहनत करके जाएंगे वहाँ पर तो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड और उनका बैकग्राउंड बहुत अलग अलग होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा अपना, मेरा बस मुझे ये लगता है कि आज इन बच्चों के कारण नालंदा का जो मकसद है वो आपको शायद क्लियर हुआ होगा। मेरा और हमारे जितने भी साथी हैं, मैं हूँ, अभियान है, कपिल है, मीनाक्षी है, सपना है, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज के बच्चे हमको इतने मजबूत करें कि वो अच्छे से हायर एजुकेशन में जाए, एक दूसरे की हेल्प करें और टॉप की पोजीशन पे जाए, ताकि वो समाज को दिखा दें कि हमने भी उतनी ही मेरिट है जितनी किसी और, ठीक है। हमारा बस और कोई हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, हम किसी से बदला लेने के लिए नहीं आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अभी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे या हम भेदभाव करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा जो बाबा साहब का सपना था, मुद्दा था, एक समतामूलक समाज, एक ऐसा समाज जहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट का भी ना हो, जेंडर का भी ना हो। जेंडर पे मैं बहुत बोलता हूँ क्लास, कास्ट पर तो फिर भी कम बोलता हूँ, जेंडर के आधार पर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। और ये जो पुरुष हैं यहाँ पे, इनकी जिम्मेदारी है कि इसको पर सोचें और इसको देखें कि समाज जो है किसी के भी साथ, ठीक है, देखें आज आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आपसे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा और तब आपको कैसा लगेगा, ठीक है। तो मेरा नालंदा का बस यही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और एक दिमाग में इक्वालिटी की भावना को लेकर जाए, एक सॉलिडेरिटी रखें, ब्रदरहुड सिस्टरहुड लेकर रखें, आपस में एक दूसरे की हेल्प करें,
और आप लोगों को बहुत सारा काम भी करना है। एक नालंदा से कुछ नहीं होगा, 200 बच्चों से कुछ नहीं होगा, देश में इतनी पॉपुलेशन है ना, देश में कितना है पॉपुलेशन, 130 करोड़ पॉपुलेशन, तो कम से कम 1300 नालंदा चाहिए, ठीक है। एक नालंदा से नहीं होगा, आप ही लोगों को करना। मैं तो मतलब उससे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे की बोलते हैं कि सर मैं वापस आके तुम्हारे साथ काम करता हूँ, मैं बोलता मेरे साथ मत काम करो, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ वापस जहाँ से आए हो और वहाँ पे काम करो, मैं सपोर्ट करूँ, ठीक है। तो आप तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये एक मॉडल है, इसको आप रेप्लिकेट करो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, आप अपना जीवन भी जियो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कोई साधु वाधु मत बनना, ठीक है, त्यागी त्यागी होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप अपना जो भी आपका नेसेसिटी है वो जीवन जिए, लेकिन साथ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी करिए, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी जिंदगी वर्थ वाइल लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ आपने जिंदगी जी, ठीक है। थैंक यू।